जय हिंद दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, फिलहाल न्यू भर्ती आई हुई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ब्यारो ग्रुप की रहने वाली है, जिसमें अच्छा खासा पोस्ट रहने वाला है आपका, ठीक है। तो इसमें कौन सी क्या वैकेंसी सबसे ज़्यादा आई है, तो वो इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो अभी आपका क्या, ये ऑनलाइन भी हो जाएगा, इसमें ओनली 50 रुपये लगते हैं फीस के भी। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, पहले दोस्तों रिटर्न हो जाए, फिर नॉर्मली फिजिकल होता, कुछ भी नहीं होता, और ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड में जो भी ट्रेड में जाते हैं उसमें ट्रेड हो, यानी ड्राइवर होगा तो ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस या उसका ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। आईटीआई से रिलेटेड जाता है तो आईटीआई का वहाँ पे क्या टूल्स वगैरह पूछे जाए, क्योंकि काफ़ी दोस्त हमारे जान पहचान में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बताते हैं आपको पूरी डिटेल से, तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देख लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है नोटिफिकेशन आपने देख लिया, जो कि शॉर्ट नोटिस है। आगे आपका अभी जल्दी आपका क्या है, ये ऑनलाइन भी हो जाएगा, ऑफिशियल साइट पर फुल नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। मेन चीज़ ये है दोस्तों, इस फॉर्म को ओनली मेल कैंडिडेट भर सकता, ओनली मेल ही कैंडिडेट भर सकता। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, दुर्गाष्टमी ये वैकेंसी दोस्तों टोटल 15 पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये दुर्गाष्टमी आपको पता होगा क्या कुछ है, इसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सूरवीर एडमिनिस्ट्रियल, ठीक है। तो ये भी वैकेंसी अच्छा खासा, टर्नर है ये वैकेंसी, लगभग आपके पास क्या क्वालिफिकेशन भी मिल जाए टर्नर के लिए। जनरल की 5 वैकेंसी है, टोटल 10 वैकेंसी, अदर कैटेगरियों की भी एक एक दो दो वैकेंसी इसमें रहने वाली है। मशीनिस्ट की, जनरल की एक है, इसमें भी एक ही है ओनली मशीनिस्ट की। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी, जो कि आपका क्या हैवी लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 208 वैकेंसी जनरल की है, 417 के आपके टोटल रहने वाली है। जैसा कि ओबीसी की आपकी 61 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 51 है, और 36 एसटी की और एससी की 61 है। तो कि अच्छा खासा वैकेंसी है, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला दोस्तों इसमें एससी एसटी को, क्योंकि इनको भी क्या है ओबीसी जितना क्या वैकेंसी दिया है, तो जनरल तो वो फाइट करें तो जनरल का तो वैसे भी कुछ भी आप मान नहीं सकते। फिर ड्राइवर रोड रोलर ओजी, ये वैकेंसी है, ये भी करंटली ब्लैक लोग और टोटल ये वैकेंसी है, तो कुछ दिखाया है, तो ये देख लेना अपने हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन हमारे पास है। फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें पूरी डिटेल से ये समझा देते हैं कि ये चीज़ उस मतलब वैकेंसी में ये चाहे उसमें ये चाहिए, तो एक बार देख लेना। मेन चीज़ ये जो ड्राइवर वाली वैकेंसी है दोस्तों, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की, जो इसमें क्या दोस्तों हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो फिर नीचे दिया है फ्लोर पोस्ट है जनरल रजिस्टर इंजीनियरिंग ब्यारो अप्लीकेशन फॉर द डिवीजन PWD रिलेटेड अदर। तो दोस्तों ये कुछ दिया आप एक बार है देख लेना, फुल नोटिफिकेशन हम आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। तो वो एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पूरी डिटेल से इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, उस पोस्ट के हिसाब से क्या हम वैकेंसियाँ दिया था, दुर्गाष्टमी टर्नर मशीनिस्ट की, मतलब ये अदर को कौन सी वैकेंसी कैसे क्या मिलने वाली वो भी दिखाया, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या है एसटी स्टेडिंग, डब्ल्यू को वर्किंग, बीएन को वेंडिंग, एल की क्या है लिफ्टिंग, आर डब्ल्यू को रेडिंग, यानी कि ये क्या ऑप्शन इन्होंने क्या बताए हैं, ये फुल फॉर्म इन्होंने दिए, जो ऊपर ये जो भी एक से दो नंबर पॉइंट के नीचे जो मतलब पोस्टर में बना के दे रखा है, ये डिटेल इसमें क्या दिखाया। दोस्तों ये वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्रिप की वैकेंसी है, जो कि आपका काम क्या होता है दोस्तों, दुर्गाष्टमी ही है तो दुर्गाष्टमी के हिसाब से, लेकिन ड्राइवर का जो काम क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे अच्छा काम है ओनली ड्राइविंग, गाड़ी चलाना। काम क्या रहता है, बड़े ट्रक या गाड़ी जिप्सी जो भी होता है सब कुछ चलाना पड़ता है। वर्क इसका पता है ऑल इंडिया के अंदर क्या है, रोड बनाने का काम है, टेंडर लेता है रोड बनाने का, ठीक है। सरकारी डिपार्टमेंट है तो टेंडर बनाना, लेकिन ठेके पे देता सारा काम, ये नहीं कि हमको रोड बनाना पड़ेगा। लेकिन जो भी टेक्निकल बंदा तो टेक्निकल गाड़ी को सुधारेगा, ड्राइवर है तो ड्राइवर का काम करेगा, ड्राइवर को पता है ट्रैक्टर या गाड़ी जिप्सी जो भी है वो देता। हमारे साथ का जो मैकेनिकल जो पीछे डीजल मैकेनिक की जो वैकेंसी आई थी, उसमें काफ़ी दोस्त लगे हुए हैं हमारे दोस्त, तो उनका क्या है मैकेनिक इंजन से संबंधित कोई भी समस्या या दिक्कत आ गई तो ठीक होता है, ठीक है नहीं उसको क्या पार्ट वगैरह क्या एक्सचेंज के लिए बोल देते हैं कि ये पार्ट आपको लाना पड़ेगा, फिर ये सही होगी गाड़ी, ठीक है। वो चेक करके पूरा काम, यानी कि ट्रेनिंग होती है तो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, फिर धीरे धीरे काम क्या है जो बड़े बड़े जो साहब रहते हैं उनके साथ रहते हैं, उन हिसाब से सीखा जाता है और आराम से आपको रह जाता है। लेकिन मेन जो ड्राइवर का बंदा है तो ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाता है, ड्राइविंग है पीछे जो भर्ती है उसमें ड्राइविंग का टेस्ट लिया गया अच्छा खासा, जो कि वैकेंसी भी कम थी इस बार तो वैकेंसी ज़्यादा है, तो उसमें क्या ड्राइविंग टेस्ट लिया था, उसमें जो क्वालिफाई होया और जो आपका पेपर से रिलेटेड जो आपका हुआ था उस हिसाब से आपका क्या हुआ। पेपर में इतना कुछ है नॉर्मली ही आता है, कुछ भी नहीं आता। वैसे ये वायरल वैकेंसी इस बार क्या कंपटीशन में बहुत ज़्यादा रहने वाला, पीछे तो और भी वैकेंसी वगैरह चल रही तो इतना कंपटीशन रहता वाला, तो इस बार ये वैकेंसी खाली आई है। अभी ITBP वगैरह की भी आई है, वैसे ये वैकेंसी सबसे मोस्ट पॉपुलर ही मान लो, कि ड्राइवर का लगभग दोस्तों ने बनवा रखा कि बेरोजगारी के माइंड करें क्या, क्योंकि
ड्राइवर है तो इसका ही भर लेंगे या और कुछ वैकेंसी आएगी उसका ही भर लेंगे, तो ऐसा सोच समझ के ये क्या फॉर्म भर ले रहा दोस्तों, और फुल नोटिफिकेशन आते ही आपको वीडियो बना देंगे पूरी डिटेल से, समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।